राज्यों में इस समय बर्फबारी का दौर जारी है। बर्फबारी का असर उत्तरी और पूर्वी भारत के मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली NCR, उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्य कड़ाके की ठंड की चपेट में है। उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्सों में कोल्ड डे की स्थिति बनी हुई है। वहीं राजधानी दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में हल्के बादल छाने से ठंड से थोड़ी राहत मिली है। इसी बीच मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहने वाला है इसे लेकर ताजा अपडेट जारी किया है। दरअसल राजधानी दिल्ली में अब मौसम बदलने वाला है। IMD ने अगले 3 दिनों को लेकर एक गुड न्यूज दी है। मौसम विभाग के ताजा अपडेट के मुताबिक शनिवार यानी कि 27 जनवरी को आंशिक रूप से बादल छाए रहने और मध्यम कोहरे का अनुमान जताया गया है। वहीं अधिकतम तापमान के 20 डिग्री और न्यूनतम तापमान के 5 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना जताई गई है। IMD ने बताया कि अगले 3 दिनों में तापमान 3 डिग्री तक बढ़ सकता है, यानी 3 दिनों के बाद अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसे में अगले 3 दिनों तक धीरे धीरे पारा ऊपर उठेगा, जिसके बाद दिल्ली वालों को ठंड से राहत मिल सकती है। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से दिल्ली NCR में घना कोहरा छाए रहने की वजह से फ्लाइट से लेकर ट्रेन और सड़क यातायात तक बुरी तरह से प्रभावित हुए। मौसम विभाग ने यह भी बताया है कि एक नए वेस्टर्न डिस्टरबेंस के चलते 31 जनवरी तक मौसम का मिजाज पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में बदलने वाला है। इन दिनों हल्की बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही तटीय आंध्र प्रदेश, ओडिशा में हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अंडमान और निकोबार द्वीप में 27 जनवरी तक हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है। आज के मौसम की बात करें तो स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार के कई हिस्सों में सुबह और रात के दौरान घना से बहुत घना कोहरा छाया रह सकता है। उत्तरी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाया रह सकता है। पंजाब, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और उत्तर पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों और बिहार के अलग अलग हिस्सों में ठंडे दिन से लेकर गंभीर ठंडे दिन की स्थिति जारी रहने की संभावना है। मध्य प्रदेश में एक या दो स्थानों पर कोल्ड डे की स्थिति बनी रहेगी। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में जमीन पर पाला पड़ सकता है। वहीं मौसम विभाग का ये भी कहना है कि 24 घंटों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत में न्यूनतम तापमान में कोई महत्वपूर्ण बदलाव होने की उम्मीद नहीं है और अगले 3 दिनों के दौरान 2 से 3 डिग्री तक बढ़ोतरी हो सकती है। खैर इस खबर में इतना ही। देशभर में बदलते मौसम को लेकर आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म।